मुख्तसर सर बताएं, जब पहली मरतबा मरीज आया था तो उसकी क्या कंडीशन थी? अस्सलाम वालेकुम। जब पहली मरतबा हम लोग आए थे तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस टाइम जो है ना डायलिसिस पे था, तो यहाँ पे आए थे डायलिसिस जो है ना, फिर हमने डॉक्टर साहब को बताया था, फिर इंशाल्लाह के हुक्म से डायलिसिस भी रुक गया और दवाई चल रही थी। उसके बाद जो है पेशेंट बिल्कुल माशाल्लाह सही हो गई थी, अभी भी दवाई चल रही है और डायलिसिस अभी हम लोग नहीं करवा रहे। अच्छा, डायलिसिस पे थे 16 अक्टूबर से पहले। जब से डॉक्टर फहीम के पास आए, आज अक्टूबर का महीना गुजरा, नवंबर का गुजरा और दिसंबर का आधा महीना गुजर गया, डायलिसिस कराने की जरूरत तो नहीं पड़ी? नहीं नहीं, अल्लाह के हुक्म से। जबकि डायलिसिस का मरीज तो 2 हफ्ते भी जिंदा नहीं रह पाता अगर डायलिसिस ना हो तो। नहीं, अभी अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई भी कहानी नहीं है, माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। और हम जो है डॉक्टर फहीम साहब को दिल से दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, और पहले से बहुत बेहतर है माशाल्लाह।